नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए NHAI द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। NHAI का लक्ष्य है कि नवंबर तक हरियाणा की सीमा में 19 किलोमीटर लंबे दो चरणों का काम पूरा करके यातायात शुरू कर दिया जाए। NHAI के अनुसार दिल्ली के हिस्से में चल रहे 10 किलोमीटर लंबे दो चरणों को अंतिम रूप से तैयार होने में मई 2023 तक का समय लग सकता है। पहले इन्हें भी मार्च 2023 तक खोला जाना था, लेकिन दिल्ली के हिस्से में बनाई जा रही टनल निर्माण के चलते प्रोजेक्ट को पूरा करने में थोड़ी देरी होगी। बता दें कि 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे कई मायनों में अहम है। इससे जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन जाम में फंसे बिना सीधे NH8 शिवमूर्ति के पास से एक्सप्रेसवे पकड़कर निकल सकेंगे। एक्सप्रेसवे के तैयार होने पर वाहनों को गुरुग्राम के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने के लिए NHAI देश की पहली अर्बन टनल बना रही है। बता दें कि दिल्ली की सीमा में बनाई जा रही टनल की कुल लंबाई 3.6 किलोमीटर है। NHAI के अधिकारी बताते हैं कि टनल को बनाने में विशेष किस्म की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते टनल को पूरा करने में समय लगेगा। इसलिए प्रोजेक्ट अगले वर्ष ही जाकर पूरा हो सकेगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा के हिस्से में 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को इसी वर्ष नवंबर तक यातायात के लिए खोले जाने का प्रयास है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर NHAI तकनीकी रूप से कई प्रयोग कर रही है। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें 8 लेन की एलिवेटेड रोड की लंबाई सबसे अधिक होगी। अभी तक देश में अधिकांश एलिवेटेड रोड 6 लेन की। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 29 किलोमीटर है, जिसमें से 23 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।